अपनी जात के ऊपर इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस रखिए, आपको ये सोचना न पड़े कि यार मेरा की बनेगा। यहाँ बैठे किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, इतना ना कीजिएगा कि बाद में फेसबुक की शादियों वादियों तक पहुँच जाएगा। हमें हमारे असातिज़ा ने बताया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे दोस्त कहते थे तू कमाना है तू बिल दे कैंटीन का। 6 अखबार आप पढ़ेंगे कसम से 2 घंटे भी नहीं लगते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खुल खुला के हंसा जाए, जो आप अभी हंस रहे थे, यही ज़िंदगी है। और अगर हम नहीं हंस रहे तो दुनिया में इतने गम इतनी उदासियाँ हैं कि जो हमारे हिस्से का नहीं हमने वो भी ले लिया है। जैसे जैसे ग्लोबल विलेज हो रहा है वैसे वैसे हमारी हंसी शायद थोड़ी कम हो रही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह खिलखिला किसी भी बात पे हंस रहे थे, लेकिन हंसना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक बार फिर हंस लें इसी बात पे, रिलैक्स होते हैं हम बहुत ज़्यादा। मैं अभी रिसेंटली अपने एंकर्स के साथ एक सेशन कर रहा था, तो मैंने उन्हें ये कहा कि अब उनमें से कुछ लोगों ने कुछ 2.5-3 साल काम किया, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, लेकिन वो इतने परेशान घूम रहे थे, मैनेजमेंट चेंज हो गई है और हमें पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। तो मैंने उनसे एक अर्ज़ किया कि अगर आप इसी तरह परेशान ज़िंदगी में 22, 24, 25 साल की उम्र में रहेंगे तो फिर हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। आप सब का मैं इंट्रोडक्शन लेता हूँ, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ इस हंसी और मजाक और ख़ुशी और खिलखिलाने के साथ। मेरा नाम मुदस्सर इकबाल है जी। मैं इस वक्त एक टीवी चैनल टैलन न्यूज़ है उसमें एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ये मेरा पहला तजुर्बा है मैनेजमेंट में। मैं 15 साल से एंकर पर्सन की हैसियत से काम कर रहा था। उसमें मेरा स्टार्ट एक पंजाबी का चैनल होता था, अपना न्यूज़, उसमें एज ए प्रोग्राम एंकर शुरू किया ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। आप मेरे ख्याल है मास्टर्स और ग्रेजुएशन के और एमफिल के स्टूडेंट होंगे, ऐसी बैचलर्स हैं। तो मैं पढ़ रहा था तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में जॉब ऑफर हो गई थी। तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। वो हुआ ये था कि मैंने पढ़ने में ख़ासा नालायक रहा ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक असाइनमेंट वक्त पे नहीं की थी तो मेरी टीचर ने मुझे कहा, डॉक्टर आबदा एजाज़ हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम है पंजाबी के टीवी पे, वहाँ पे एज ए गेस्ट आप चले जाएं। मैंने कहा जी वो मेरी असाइनमेंट के नंबर मैम, मैंने बाद में जमा करें। उन्होंने कहा पहले वो प्रोग्राम, मैंने कहा वो लगा दें। कहती जब प्रोग्राम करके आओगे तो मैं लगा दूँगी। मैं उससे पहले अपनी 8th, 9th और 10th क्लास में मैंने डिबेट्स और डेक्लेमेशंस और तकरीर ये स्टार्ट की थी। एफसी कॉलेज में मैं मेरा इंटरमीडिएट था, एक छोटे से शहर से मैं आया हूँ लाहौर। मैंने एफसी कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ, बैकलॉरिएट मेरा था एफसी कॉलेज से। मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी था, फिर 2 बार प्रेसिडेंट रहा एफसी कॉलेज का। इन 2006 जब जल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मिला था 2006 में। तो हम गांव के बच्चे जो हैं उनके लिए बड़ा एजाज़ होता है कि वो शहर के हिचसन के और बिकन हाउस के और एलजीएस के बच्चों के दरमियान बैठ के कोई एजाज़ ले लें तो हम थोड़े से ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा आप कुछ कर लिया। फिर मेरा मास्टर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह मास कम्युनिकेशन में हमें कुछ नहीं सीखा जो टॉपिक आज का है। मैं इसमें कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा दिल लगा के पढ़िए। जीपीए अच्छी चीज़ है, सीजीपीए अच्छा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मेरे दोस्त जो लड़कियां और लड़के दोनों क्लास में हैं थे, वो प्रोफेसर्स भी हुए हैं, डॉक्टर्स भी हुए हैं, जो पढ़ते रहते थे वो डॉक्टर्स बन गए, अच्छे बच्चे बन गए। जो हम नहीं पढ़ते थे हम इधर आ गए, वो आज 1.5-2 लाख की सैलरियों में प्रोफेसर हैं, हम 1 मिलियन प्लस के एंकर्स हो गए। तो ये फ़र्क बहरहाल इस मीडिया का है, मैं आपको ये साथ साथ रियलिटी बताता हूँ। आज के जो हमारा सेशन होगा वो आपका ज़्यादा होगा, मेरा बोलना कम होगा। हम फर्दन हर एक से बात करेंगे, क्योंकि जो सवालात हैं, जो चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं वो आप करेंगे, ये बातें आप मुझसे करेंगे।
ये वाली बातें आप मुझसे करेंगे ना, ठीक है जो। तो आप कहने का मतलब ये है कि ये जो आके ना लेक्चर्स और ये चीज़ें हैं कि बहुत अच्छा होगा आप पढ़ें, और सर सैयद अहमद ख़ान से लेके आपको सहाफ़त शुरू करवाई जाती है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तक और वहाँ से लेके आगे तक, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कारोबार है। अगर आप ये समझते हैं कि सहाफ़त कोई इबादत है तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सहाफ़त भी एक पेशा है, जैसे डॉक्टर एक पेशा है, वकालत एक पेशा है, असातिज़ा का एक पेशा है। हाँ ये ज़रूर है कि जब हम असातिज़ा के साथ होते हैं वो बेईमानी नहीं कर रहे होते हमें पढ़ाते हुए, होते हैं कुछ लोग होते हैं जो टाइम नहीं देते, अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत हमारे असातिज़ा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, वो हम पे मेहनत कर रहे होते हैं। हाँ ये अलग बात है कि असातिज़ा की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, कुछ असातिज़ा फ़लाँ साहब फ़लाँ साहिबा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे बहुत अच्छी कोशिश करते हैं लेकिन शायद उन जैसा ना पढ़ा सकें या हमें फ़ील ना हो, लेकिन वो मेहनत करते हैं। इसी तरह वकला हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, उनका भी पेशा है। इसी तरह सहाफ़ी जो हैं वो भी बुनियादी तौर पर एक पेशा है, ये जो इबादतें और ये और वो ऐसा नहीं है। आज का पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, कि पाकिस्तान के मीडिया में 99.9% तमाम के तमाम लोग जो उनके मालिकान उनके मैनेजमेंट है वो उसको बिज़नेस मॉडल पे चला रही है। दो तरह के बिजनेस हैं, नंबर वन जो वो लोग हैं जो सहाफ़त के बिज़नेस मॉडल पे चला रहे हैं, उसमें कुछ चैनल्स हैं, मैं नाम लेना बेहतर नहीं है, आप ख़ुद स्टूडेंट्स हैं तो आप उसका अंदाज़ा भी वो कर सकते हैं, वो सहाफ़त के बिज़नेस मॉडल पे चला रहे हैं चीज़ों को, यानी सहाफ़त हो रही है, ख़बर आ रही है, लेकिन वो बिज़नेस मॉडल है। दूसरा वो मॉडल है जिसमें हमारे जो मालिकान हैं वो अपने बिज़नेस की, अपनी ज़ात की, अपनी सियासत की, अपनी चीज़ों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं थ्रू अपने मीडिया चैनल्स, थ्रू मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो किसी ने अखबार खोल रखा है या उसने टीवी है या आजकल सोशल मीडिया भी किसी हद तक, वो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है इस मामले में। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। अब इसमें आपने चूज़ करना होता है कि मैं जिस वक्त जितना जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो क्या मैं उस मॉडल में काम कर रहा हूँ कि सहाफ़त ऐसी जगह पर कर रहा हूँ कि जिसका मालिक अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, तो आपका तो कसूर नहीं है ना इसमें, बीइंग ए स्टूडेंट आपका कसूर नहीं है, लेकिन उनका है। अब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से रिपोर्टर्स बनने का किस किस का शौक़ है, हाथ खड़ा कीजिए। रिपोर्टर्स बनना है किसी ने, कुछ सोचा है फील्ड रिपोर्टिंग करने का है किसी का? एंकर्स बनने का किस किस का है शौक़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6? चलें जिसका वो शौक़ है ना, वो बात उसामा साहब से मैंने कहा है कि हमें कुछ नए एंकर्स जो है वो चाहिए, तो आपने उसामा साहब से ज़रूर रब्ता कर लेता। अच्छा अब एंकर्स बनना है, प्रोग्राम एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, अब इसमें आपने जब काम करना है तब आपने ये सोचना है कि मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। बैंक्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जॉब करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जॉब नहीं करते, ये सूदी कारोबार है, आपको पूरा निज़ाम पूरी दुनिया का सूदी चलता है ना, तो आप उसमें अपने आप को कैसे बचते हैं? उलमा ने इस पर कुछ मुख्तलिफ फतवे दिए हुए हैं। इस तरह आप जहाँ जिधर काम करें अपनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। आपको मैस कॉम करके जो आपने एकेडेमिया की फील्ड में जाना है, लाइक किसी ने लेक्चर्स की सीटें आती हैं, प्रोफेसर्स की सीटें आती हैं, प्राइवेट में आती हैं और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में आती हैं, वहाँ जाना है। किसी ने डिजिटल मीडिया की तरफ जाना है, जो मैं सबसे ज़्यादा इनक्रेज करता हूँ सब स्टूडेंट्स को। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में जाना है, टीवी मीडियम में, कि हम बीइंग ए प्रोड्यूसर चले जाएँ, बीइंग ए रिपोर्टर चले जाएँ, हम एंकर पर्सन जाएँ, कुछ भी फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें आप जाते हैं जॉब्स के लिए, आपने उसमें अपनी ईमानदारी का पूरा काम करना होता है। और उसके लिए क्या करना है, नंबर वन कि आपको आज कोई एंकर, कोई रिपोर्टर, कोई प्रोड्यूसर, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिना कंटेंट आप 0/0
हैं। सफ़र, मैंने अपनी फील्ड में देखा ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान लड़के और लड़कियां आए, बड़े अच्छे एंकर्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह 7 माह 8 माह इससे ज़्यादा वो नहीं चल पाए क्योंकि कंटेंट नहीं था। अब आप एक मिसाल मैं आपको पाकिस्तान में देता हूँ, चलें कासम अली शाह। कासम अली शाह साहब बेसिकली तो इंजीनियर हैं, इस वक्त वो पाकिस्तान के एक बड़े एनालिस्ट हैं, वो लोगों का वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इस वक्त, आप समझिए लोगों की जिंदगियों को किस तरह से जीना है और किस तरह से चलना है वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। उन्होंने तो मैस कॉम नहीं किया, वो अच्छे वो तो नहीं मतलब रिपोर्टर एंकर ये वो, लेकिन वो बेहतरीन एंकर हैं। जब इंटरव्यू करते हैं बेहतरीन एनालिस्ट बन जाते हैं जब उनका कोई इंटरव्यू करता है। आप दुनिया का कोई सवाल कर लें उस सवाल को वो घुमा के अपनी मर्ज़ी के जवाब पर लेके आके वो बता देते हैं कि ये चीज़ है। ये किससे हुआ है? ये हुआ है कॉन्टेंट से, पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज से। आप लोगों में से कोई वसी शाह को जानते होंगे जो शायर हैं बड़े फेमस। मैंने उनसे एक बार पूछा कि शाह जी आप जब ड्रामा लिखते हैं तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं हमारे लिटरेचर की यानी कि सब कॉन्टिनेंट की रशियन यूरोपियन फ्रेंच लिटरेचर कुल मिला के जब मैं 100 किताबें पढ़ लेता हूँ फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ, वो ड्रामा प्ले लिखना शुरू करता हूँ। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि आप सब मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट सब, अच्छा कोई और भी हैं किसी फील्ड पॉलिटिकल साइंस, तो एक ही फील्ड है दोनों सेम। ये मेरे जो ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं वो आईआर और पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा अच्छे एंकर्स हैं, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, वो ज़्यादा क्योंकि उनको उनसे पूछ लें आप मैथ्स कम्युनिकेशन वाले से किसी से पूछ लें पाकिस्तान के आइन में कितनी शिक है उनको नहीं मालूम है। आप पॉलिटिकल साइंस और आईआर वाले से पूछे वो आपको बता देंगे। फ्रेंक मैं आपको बताऊं ये है, अगर मैंने ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होता तो मैं भी शायद यही बात ही कर रहा होता जो मैं आपके घर में, मैं स्टूडेंट था जब पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मेरे पास आइन के दोनों वर्जन थे यानी कि उर्दू और इंग्लिश में, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन के पाकिस्तान पीनल कोड के मैंने उस वक्त लिए थे क्योंकि हम ट्रेनिंग्स में कुछ में ऐसे थे, तो उस वक्त उससे पहले हमें भी नहीं पता था। ब्लेसिंग है कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं, वरना मैं अभी बात कर रहा था वहाँ बैठा कि आजकल के जो आप स्टूडेंट्स हैं ना, ये आज से 14 साल पहले जब मैंने मास्टर्स किया था आप लोगों से हम कुन जहन थे, नालायक थे, अवेयर नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विजनरी हैं आप लोग हमसे, आपके पास मौके भी बहुत अच्छे हैं, फिर आप ग्लोबल बच्चे बन चुके हैं। मतलब आप आजकल वो ये नहीं है कि कराची का है, लाहौर का है, इस्लामाबाद का है, लंदन का है, ग्लोबली बच्चे हो गए। आप यहाँ बैठे किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, इतना ना कीजिएगा कि बाद में वो फेसबुक की शादियों वादियों तक पहुँच जाएगा, लेकिन आप हैं अवेयर। मैं बरमला इजहार करता हूँ, कराची में मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा है, लाहौर में कम, तो मैं कराची में यूनिवर्सिटीज़ में भी जब जाते हैं हम यही बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इसलिए पहले तो ये समझ लीजिए अपनी ज़ात में कि कोई ज़ैनब हो या कोई अली हो आप लोगों में बैठे हुए, आप लोग बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं, आप के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। अपनी ज़ात के ऊपर इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको ये सोचना ना पड़े कि यार मेरा की बनेगा, मैं की कराऊंगा, अब मेरा ये हो रहा है, मेरा सेकंड सेमेस्टर हो गया, मुझे कहाँ जॉब मिली, मुझे तो लगता है सब जॉब्स ख़त्म हो गई। ये चीज़ें दिल से निकाल दीजिए आप, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा जो है वो कहें अवेयर हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ये कैमरामैन को मैं ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इसको मैंने देखा है, मैं कराची चला गया, मैं वहाँ रहता हूँ और ये 92 में हुआ करते थे हमारे साथ। मैंने पूछा, कहते मैं यहाँ होता हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छा है। जब मैं 92 में इन 2015 में मैं था तो खबरें जब पढ़ा करते थे 10 साल पहले, तो उस वक्त से हमें हमारे असातिज़ा ने बताया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मैंने आपको जो बात स्टार्ट की थी मैं उसको यहाँ आके अब जोड़ रहा हूँ कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कि मैं
एज ए गेस्ट गया था एक पंजाबी के प्रोग्राम में, और मुझे उन्होंने वहाँ ऑफर किया कि आप प्रोग्राम करेंगे हमारा एक। आप किस किस यूनिवर्सिटी से हैं यहाँ पे? वैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, पंजाबी यूनिवर्सिटी से कौन कौन? हाथ ज़्यादा अक्सरियत वहाँ से। मास कम्युनिकेशन से आप? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से? मेरा डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी है। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा इदारा है, लेकिन हम एफसी कॉलेज से आए थे तो हमें लगता था ये वाकई पेंडू यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि एफसी कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा। हमारा वहाँ 5 साल गुजरे थे, हमारे प्रिंसिपल गोरे, हमारे टीचर्स गोरे, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, वो सब और एक माहौल और है, बहुत डिफरेंट सा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ कैंटीन होती थी, अब पता नहीं वो अंदर है उस साइड पे कि नहीं, बिल्कुल अंदर ही थी। मुझे हफ्ते में एक प्रोग्राम करना, महीने में 4 प्रोग्राम करने के मुझे 10,000 रुपये मिलते थे इन 2009। मेरे दोस्त कहते थे तू कमाना है तू बिल दे कैंटीन का, मतलब समोसे खाने का तू बिल दे। तो ये बड़ी अच्छी रकम होती थी 2009 में, अगर आप पीछे चले जाएं तब तो आप मेरे ख्याल में शायद स्कूल में किसी पहली दूसरी जमात में पढ़ते होंगे बच्चे, तो ये बड़े अच्छे पैसे थे। फिर उसके बाद वहीं पे ज़्यादा हो गए और करते करते। अब कहने का मतलब ये है कि मुझे उस दिन भी असातिज़ा की हमारी ट्रेनिंग ये थी कि आपको जो कहा है ना इसने, उन्होंने कहा ऑडिशन दे, मैंने ऑडिशन दिया, यहाँ पास हो गया, कराची गया, वहाँ से पास कर दिया। उन्होंने कहा जी रख लो लड़का, ठीक है। मैं सेकेंड सेमेस्टर कर रहा था, थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हुआ, सिटी 42 में मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे बिठाया और प्रॉम्प्टर लगा हुआ था स्टूडियोज़ में। मैं आपको दावत दूंगा हमारे चैनल में, आप इनको कहूंगा कि आप सब लोग जो हैं वो वहाँ आएँ, हम आपको विज़िट करवाएंगे कैसे वर्किंग होती है। तो उन्होंने कहा ये पढ़ें, तो आजकल वो एक चैनल के कंट्रोलर न्यूज़ हैं, उस वक्त उन्होंने कहा तो मुझे लगा था ये पढ़ नहीं पाएगा, तो मेरे स्पाइक्स कटे हुए थे और थोड़ा वो मम्मी डैडी सब अच्छा लग रहा था उनको, ऐसे लग रहा है ग्लासेस लगे हुए हैं, वो कहते हैं ये उर्दू नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि लफ्ज़ ऐसा होगा, आई डोंट नो कि कौन सा था। मैंने पढ़ दिया तो कहते कहाँ से आए हैं, मैंने कहा घर से आया हूँ, कहते मतलब किस चैनल से आए, मैंने कहा जी मैं, फिर बताया कि मैं इस तरह ट्रेनिंग, कहते वो आ जाए उठ जाए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताएँ क्या लेंगे, मैंने कहा चाय ले आए, कहते मतलब कितने पैसे लेंगे, मैंने कहा अच्छा। अब वहाँ चीज़ें तय हो गई और उसी 2-3 घंटों में मेरी अगली जॉब हो गई, वहीं से एक और चैनल में इस्लामाबाद में कैपिटल टीवी आ रहा था, वहाँ गए, वहाँ जॉब हो गई, वहाँ से बोल टीवी इन 2014-14 में है, उस वक्त उसका सबसे बड़ा हवा था, जो गाड़ियाँ दे रहे हैं, ड्राइवर शोफर होंगे, ये होगा वो होगा, पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर रहा था। मैंने अप्लाई नहीं किया था, फ़ोन आया आप फ्लां फ्लां में शख्स बोल रहा हूँ आप कराची आ सकते हैं, मैंने टिकट भिजवा दे आ जाऊँगा। उन्होंने भिजवाया, मैं गए, हुआ, चीज़ें फाइनलाइज हो गई, जॉब लग गई बहुत अच्छी, गाड़ी शोफर ये वहाँ हम देखे हैं, अच्छा ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं, ये सब होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके अपने ऊपर एतमाद, जिस एतमाद के साथ आप बैठी हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा लग रहा है, इसी एतमाद अपनी ज़ात पर आप रखें, इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे। और जिस जगह पर आपकी ट्रेनिंग्स और चीज़ें हो रही हैं, या आपको, आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आपको बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस मिलेगा। एक चीज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि क्लैरिटी आप लोगों की होना कि आपने क्या करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिन लोगों का मसला आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ्यूचर लोगों को ऐसा लग रहा है कि लाइक जैसे अखबार का हाल हुआ है, आपको, आप सब स्टूडेंट्स हैं, बल्कि आप भी अखबार पढ़ते रहते हैं, अवेयर रहते हैं, अब तो हर बंदा उसमें चीज़ों में समझ रहा होता है कि अखबार में आ गया खबर तो सबको पता चल गई, सोशल मीडिया पे आ गया। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया डेवलपमेंट के हवाले से, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, ये टीवी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया, जैसे अखबार को टीवी ने रिप्लेस किया, टीवी को डिजिटल मीडिया रिप्लेस कर देगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब आप क्योंकि ख़ुद स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादा आम पब्लिक से बेहतर जानते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे सारे होते हैं, कि जो डिजिटल मीडिया का रोल पाकिस्तान में आया वो इतना भयानक था और इतना वो बेबी था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या, कहाँ, किस तरफ निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीछे जा रहा था वो एकदम से फिर आगे आ गया, वो बेहतर हो गया, उस पर इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई, लोगों का रुझान उधर आ गया। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, मैं सिंपली बता दूं आपको,
अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो जॉब शॉप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में 72 बिलियन रुपीज़ की मार्केट थी आज से कुछ 3 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, यानी कि 72 अरब रुपए की। वो सिमट के इस वक्त 53 बिलियन पे आ गई है, जिसमें आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है और आपका कमर्शियल सेक्टर भी है, ये जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के इश्तहार हैं, हुकूमतों के इश्तहार हैं सारे। लेकिन जो डिजिटल मीडिया की इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट है, 170 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी है। वहाँ बहुत काम है। जो लोग डिजिटल में आ गए, आप कुछ सही बता देना आपको, तो मुझे इतने डॉलर, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के 1,000 डॉलर आते हैं, तो मतलब 280, 2,80,000 तकरीबन बन जाएगा ना, इतना ही रेट चल रहा है डॉलर का। जिसके 500 डॉलर आ रहे हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स की जो अभी पढ़ भी रहे हैं और अपना साथ में, 500 डॉलर मीन कि आप तकरीबन 1.5 लाख के करीब 1,40,000 रुपया कमा रहे हैं। 1,40,000 की नौकरी आपको कहीं नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आप कोई काम अपना यूनिक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फौरी बुलाता है, बात करता है कि आप आ जाएं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रोल को हम डिजिटल मीडिया से जोड़ के बताएं कि जो वो 52 बिलियन रुपीज़ की मार्केट है, उसको ये एहसास हुआ कि डिजिटल के बग़ैर कुछ नहीं है। और जो डिजिटल मीडिया में पाकिस्तान में काम हो रहा है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको संजीदा लोग देख सकें और उस पर चीज़ें आ सकें। अब टिकटॉक को आप कितनी को देर देख सकते हो, रील्स कितनी को देर, वो उल्टी सीधी रील्स कितनी को देर देख लेंगे ना, मतलब कोई एक्टर्स ये वो जो भी हो वो बना रहा, आप कितनी देर देख सकते हैं। आपको मालूम है टॉम क्रूज साल में 1 कमर्शियल करता है, साल में 1 फिल्म करता है, आमिर खान 1 कमर्शियल बमुश्किल करता है, 1 फिल्म करता है। इसीलिए उसको पता है कि स्क्रीन टाइम इतना नहीं है कि मुझे हर वक्त देखेंगे, लोग भूल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। चंद दिनों में वो खातून थी एक टिकटॉकर, बड़ी खूबसूरत सी लंबी चौड़ी सी, उनका नाम जन्नत मिर्ज़ा। आज के दिन देखें जन्नत मिर्ज़ा ज़्यादा है या वो जो बदोबदी वाला जो सिंगर है चाहत फ़तेह अली खान, वो ज़्यादा फेमस है। वो हो गया ना, लाइफ नहीं रही वहाँ पे। ऐसे क्विकली रिप्लेस किए जा रहे हैं एक दूसरे, कोई नया आ जाता है, कोई नया आ जाता है, कोई नया आ जाता है, चीज़ें बदल रही हैं। चाहत फ़तेह अली खान हो सकता है 1 महीने के बाद उसका नाम भी ना आए, वो जितने भी अब मर्ज़ी आइटम करता रहे, कोई और आ जाएगा ना उसकी जगह। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये एहसास हो गया कि डिजिटल मीडिया इतना अहम है इस वक्त कि उसने उनको मर्ज कर दिया है, वो मर्ज कर लिया है। इस वक्त मेरे अपने चैनल में मैंने अभी एक शख्स को हायर किया है, वो प्रोड्यूसर था, अब आपको मैं ये आपकी जो मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, प्रोड्यूसर था एक चैनल में, आज से 2.5 साल पहले उसकी सैलरी थी 40, वो सोशल मीडिया का काम कर रहा था, उसको उन्होंने शिफ्ट किया वहाँ पे 60 पे, वहाँ से उसने जंप लगाया तो 1.20 पे एक और चैनल में चला गया डिजिटल मैनेजर, वहाँ से उसने एक जगह जंप लगाया तो वो चला गया तकरीबन 2.25 पे। उसने मुझे फ़ोन किया जी मैं ज्वाइन कर लूँ, मैंने कहा बिल्कुल कर लो, कहते जी अभी चैनल नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई नहीं तुझे पैसे मिलेंगे ना जाओ काम करो। वो 1.20 से 2.25 पे चला गया, वहाँ से जंप लगा वो एक और इलेक्शन से पहले जगह गया। विद इन 2.5 साल वो बंदा इस वक्त 3.5 लाख रुपए कमा रहा है। उसके साथ के जो प्रोड्यूसर उसके साथ बैठे हुए थे ना ये न्यूज़ रूम में, वो कोई 1 लाख तक पहुंचा हुआ मुश्किल। तो उसने मर्ज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया अपनी ज़ात में। यही काम अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है कि वो मर्ज कर रहा है दोनों चीज़ों को। उससे क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा वहाँ मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मीडिया का इदारा है, उसके अखबारात हैं, टीवीज़ हैं, वो क्या नाम है उसका, जंग एंड जियो। उसकी जनवरी के महीने में 1 बिलियन प्लस जो है वो आमदन थी उसके डिजिटल से, अंदाज़ा लगा लीजिए, डिजिटल से सिर्फ इतनी ज़्यादा, जंग एंड जियो की मैं बात कर रहा हूँ, डिजिटल से सिर्फ डिजिटल से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसके अखबार सबसे ज़्यादा हैं, टीवी सबसे ज़्यादा हैं, कमर्शियल उसको सबसे ज़्यादा मिलता है, रेटिंग उसकी सबसे ज़्यादा है, उसके एंकर के पैसे सबसे ज़्यादा हैं, सब कुछ है। लेकिन उसने वहाँ से इतने पैसा कमाए, एक एंकर को जितनी वो तनख्वाह देते हैं उसके
यूट्यूब से, उसी के चैनल से, फेसबुक से उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे कमा लिए। कमर्शियल अलग है, वो 2.5 लाख रुपया पर मिनट उसके प्रोग्राम का कमर्शियल है, पाकिस्तान में सबसे महंगा, वो अलग है। मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जोड़ दिया। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, आपको पता है कि जुड़ना कैसे है। इसलिए अपने आप को स्टडीज़, स्किल्स में और डिजिटल मीडिया के मॉडर्निज्म को जोड़ के आप आगे बढ़ें। जो आपसे पहले हम जैसे वहाँ बैठे हुए हैं गुर्ग बन के, उनको लात मार के भगा दें वहाँ, क्योंकि आपके पास स्किल्स हों, मॉडर्न स्किल्स हैं। एक बंदा आया, मैंने इंटरव्यू किया, हम लोगों ने कमेटी बैठी, तो उन्होंने बताया कि ये 13-14 साल पुराना फील्ड का आदमी है और वो 50,000 रुपीज़ लेता था। आई वॉज शॉक्ड कि अगर इतना अच्छा क्या हो गया, तो ये इधर हो गया, उधर हो गया, ये होगा, वो होगा। तो मैंने कहा स्किल्स का प्रॉब्लम है, रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं हुए ना उनके वो चीज़ों में। अब आप मॉडर्न उन स्किल्स के साथ जब इंटरव्यू में बैठेंगे, जाके बताएंगे कि मैं ये और ये और ये कर लेता हूँ और ये कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ रास्ते खुल रहे हैं। उसी लड़के को हम अगर इतना ज़्यादा ऑफ़र करके बुला रहे हैं, और वो नखरे कर रहा है, जिसकी 2.5 साल पहले 60,000 सैलरी थी, वो नखरे कर रहा है कि नहीं, मैं 15 दिन से पहले नहीं आ सकता, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के पैरेलल जो बाकी लोग हैं, हमने वो 80,000 पे रखे, 90,000 पे रखे, और उसके नखरे भी सह रहे हैं, अच्छा यार तू 15 दिन बाद आ जाए। हमें पता है कि वो अगर हम इतने में लेके आएंगे, वो हमें $10,000 कमा के दे सकता है डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स। अब डिजिटल मीडिया और ये इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक चैनल है, उसका कंटेंट ज़्यादा बेहतर और मयारी है और लॉन्ग लास्टिंग होगा ना, चीज़ें देखेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रोल को जो समझा जा रहा था, मैं खुद समझ रहा था, मैंने खुद अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने कहा यार ये ख़त्म हो जाएगा, बस बकवास है, ख़त्म है, ये है, वो है, फ़लाँ फ़लाँ है। ठीक है, इमरान रियाज जो हमारे सीनियर दोस्त हैं, वो बहुत कमाते हैं से डिजिटल मीडिया से, लेकिन आपको रोल रिवर्स होता हुआ नज़र आता है, उनकी खबरें बाउंस होती हुई नज़र आती हैं। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे कलीग रहे हैं, हम लोग इकट्ठे बोल टीवी में, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं करती हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग इकट्ठे करके वो आगे चलेंगे। अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो समझेंगे यार हम फजूल ही बैठे हुए हैं इस सेशन में, हमारा तो ऐसे बनता है ना, सवाल तो बनता है आपका कि हाँ। अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की हमेशा मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार ये जो रिसर्च के जितने लोग हैं ना कॉन्टेंट में, ये खुदारा कोई IR का और पोलिटिकल साइंस का बंदा लेके आए। वज़ीराला हाउस में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उनकी रही हैं, मैं ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, हमारी वो दोस्त थी, उन्होंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से IR में किया था मास्टर्स, और वो इस्लामाबाद में एक चैनल में इन 2013 वो हमारे साथ थी, प्लानिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में वो काम करती थी। ठीक 2 साल बाद वो CSS किया, और आजकल वो डिप्टी कमिश्नर हैं एक शहर में, मैसकॉम। मैं मैसकॉम की बात कर रहा हूँ, कि ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारे पास फाइनेंस पढ़ के आए हुए लोग उसमें काम, क्योंकि उनकी भी जगह है ना। तो हर जगह ये लोगों को लगता है कि यार हमारी पॉलिटिकल साइंस वालों की और IR वालों की जगह नहीं है, सिर्फ मैसकॉम वालों का कब्ज़ा है, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैसकॉम वाले इतने जाहिल होते हैं कि उनको वो पढ़ते ही नहीं है। हम लोग, हमें ज़रूरत होती है कि IR के, हिस्ट्री के, उसके लोग रखे जाएँ, प्लानिंग एंड रिसर्च में रखे जाएँ, तो वो करेंगे। हम तो बस खिलंडरे से होते हैं, उस LC के भी बच्चियाँ वहाँ बैठने, इधर शरारतें उधर शरारतें, सबसे ज़्यादा शरारती होती हैं वहाँ पे, पूछ लें इनसे। मेरी अपनी बेगम वहाँ पढ़ी, मुझे मालूम, पंजाब यूनिवर्सिटी में तो खैर हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, और आज भी रिवायत बरकरार ही होगी पंजाब यूनिवर्सिटी में ना पढ़ने की, तो ऐसे ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों की जगह उतनी होती है हमारे इस में, या शायद ज़्यादा होती है, इज़्ज़त भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, वो बताते हैं नहीं नहीं सर ऐसे नहीं है, इसमें ये होता है। आप एंकरों से पूछ लें कौमी असम्बली की सीटें कितनी हैं, हमारे अपने एंकर्स फील्ड में, मैंने पूछा अभी, मैंने कहा कि नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स हैं, 6 लोग बैठे थे एंकर्स, किसी एक को भी नहीं पता था, जब मैंने आगे चार्ज लिया एंकर्स के साथ मीटिंग की, किसी एक को नहीं पता था। मैंने कहा फिर सूबाई असम्बली तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता होगी, जब नेशनल असम्बली नहीं पता। मैंने पूछा सेनेट कैसे बनती है, उनको नहीं पता था,
बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ये पढ़ना ही, इसको कंटेंट कहते हैं। ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, वो पेपर्स की हद तक बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल सिफर है उसमें। जब आप आएंगे ना इंटर्नशिप कर, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी आइडिया होगा कि पढ़ के हम कुछ आए हैं, कर हम कुछ रहे हैं। जी, वैसे तो कहा जाता है कि स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि आपने बात की, लेकिन हमें जो काम सिखाया जाता है ना, वो हमें प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता यूनिवर्सिटीज में। इतना स्टडी मैटर नहीं करती जितना स्किल्स मैटर करती है। स्टडी भी मैटर करती है लेकिन स्किल्स ज्यादा मैटर करती है दोनों। तो काम जो है हमें वो प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता, थ्योरेटिकल सिखाया जाता, तो हम स्किल्स पे कैसे फोकस करते हैं? आप एलसी से है ना, आपके यहाँ फिर भी थ्योरेटिकल ज्यादा होता था उस वक्त भी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मास्टर्स करने के 2-2.5 साल बाद की बात है, जब मैं इस्लामा जॉब करता, मैं वापस आया, मेरा एक इंटरेक्शन, जब मैंने बोल टीवी में था तो मेरा एलसी की स्टूडेंट्स के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट थी, उनके साथ एक इंटरेक्शन था स्टूडियो में। तो मुझे अंदाज़ा उस वक्त हुआ कि हमें तो स्टूडियो में घुसने नहीं देते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, टीवी स्टूडियो में हाथ नहीं लगाने देते थे, और वहाँ तो वो बच्चियाँ काम शाम करती थी वहाँ। अब मुझे नहीं मालूम है, मैं बात कर रहा हूँ in 2014, और सर्दियों में हम बैठे हुए लाइट शर्टें सारी जला के, वो सर्दी बहुत थी, मुझे याद है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो जो थ्रेटिकल है उसमें खौफ बहुत है, हमारे कैमरे ना ख़राब हो जाएं, मैनेजमेंट को क्या जवाब देंगे, हमारी चीज़ें ना ख़राब हो जाएं, वो जो होते हैं वहाँ पे अफसरान कौन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो कैमरा मैन होते हैं वो भी हमारे अफसर होते हैं, वो टेक्नीशियन भी हमारे अफसर होते हैं, वो हाथ ही नहीं लगाने दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे, करते हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ें आगे दी, हमें कैमरा दें, मैंने शूट करके आना है, ये है, वहाँ से छीन के लेना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ से हमें हिस्सा छीन के लेना पड़ता है कि हमने ये करना है, सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये चीज़ें मुझे यहाँ हेल्प करें, ये मैंने कंटेंट बनाया है इसमें हेल्प करें, अब मैंने इसको शूट करना है मेरा हेल्प करें, शूट कर लिया अब एडिट करना है, इसको कैसे करना है, तो आपको छीनना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो जो थ्रेटिकल है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब आप जाते हैं ना, उसी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बॉस आपका, फ़ीमेल या मेल जो भी बैठा होता है, वो कहते कि पढ़ के आए हो, वो उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा होता। मैं अपनी बात करूं, मैं अगर आज से 14 साल पहले मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था, और आज भी अनफॉर्चुनेट वो नहीं पढ़ाया जाता जो फील्ड में। तो हमें भी उन्होंने ये कहा था कि आपने क्या पढ़ा है, तो हमने कहा हमने तो ये पढ़ा। उन्होंने कहा आपको किसी जगह आना है, सर सैयद ने क्या कौन से अखबार किए हैं, और ज़िम्मेदार अखबार कब आया था, और पैसा अखबार कब हुआ था, और 1857 की जंग आज़ादी में इसका रोल जो है वो अखबार का, कम्युनिकेशन का क्या था, आएगा? मैंने कहा नहीं। तो कहते जो आया था वो नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा वो उन्होंने पढ़ाया था, हमें समझ नहीं आया, वो पढ़ाया हमें समझ नहीं आया कि वो कैसे पढ़ा रहे। वो कैमरा रख देते, हमें यहाँ बिठा देते, वहाँ रखते, इधर से इनको बिठा दे, आप प्रोड्यूसर हैं, आप एंकर हैं, आप प्रॉम्प्टर चला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो शायद हमें आसानी होती जब हम चैनल्स में जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं कि वो, लेकिन आपको पढ़ना भी है ना, दोनों चीज़ें हैं, वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब हमने क्लास में बैठ के पूरा कैमरा पढ़ा, हमारे सामने कैमरा ही नहीं था। सेम ना, अभी भी ऐसा ही है। अच्छा अच्छा मेरा ख्याल है कि शायद, क्योंकि 4 सेमेस्टर में जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशलाइजेशन थी, तब उन्होंने कैमरा खोला, ये इस तरह ये होता है, ये ऐसा। पहले सेमेस्टर में कैमरे का ही नहीं पता था कि कैमरा कौन सा है। सॉरी, हाँ, अब वो ट्राईपॉड खोलना ही नहीं आता था कि कैसे खोलते हैं, ये एक है। एनली मशीन पे बैठ ही नहीं सकते थे, प्रीमियर पे, अब तो चीज़ें, अब तो आप लोग फ़ोन पे कर लेते हैं एडिट, इसलिए आपके पास तो बहुत से फ़ोन पे अपने, उन्होंने कहा नहीं दो, ना दो कैमरा, मैं फ़ोन पे कर लूँगा रिकॉर्ड। तो अब आपके लिए और आसानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना सुबह शाम जो है वो पैदा करने की कोशिश करें, निकल के आ जाएंगे आप। एलसी से इकरा हारिस पहली एंकर थी, आपको मालूम है इकरा हारिस एंकर, एक खातून हमारी टीचर है, इकरा हारिस, नहीं नहीं, अच्छा हमें तो कभी नहीं पढ़ाया, हमें तो सुबह 1-2 बार नाश्ते कराया, मेरी वो क्लीग रही हैं।
वो एल सी, उसके बाद ढेरों ढेर खवातीन एल सी से वो एंकर्स बनी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो बहर खैर खेप है ना, एक जितने अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब यूनिवर्सिटी वाले उसमें अक्सरियत तो जाहिल है, बाकी अच्छे भी हैं लाइक जैसे मोहम्मद जुनेद है, अजमल जामी है और भी इस तरह के लोग हमारे साथ। ओके, कोई और सवाल है आपका? आप ज़रूर सवाल पूछें, आपने टीचर बनना है ना हमारा, आप अच्छा पढ़ाएंगे मुझे उम्मीद है प्रैक्टिकल के लिए। कोई सवाल है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल सवाल इनका ये है कि न्यूज़ एंकर्स के लिए इंटर्नशिप ओपन होती हैं? तो हमने अभी कुछ, अब आप देखें एलसी वालों को कहा कि हमें वहाँ पे अपना वो ऑडिशंस करने हैं तो हमें वो दें जगह, कहते बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे नहीं हैं, ये है वो है फ़लाँ है फ़लाँ है, तो आप नहीं आ सकते। जी जी, मैंने भेजा था गोगी साहब वगैरह को, तो वहाँ इशू ये है कि हम ख़ुद जब जाते हैं कि अच्छा उनमें से उठा लेंगे जाएं, और हमने मेरे ख्याल को तीन, एक यूसीपी, यूएमटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और कुछ बच्चे वैसे डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमने कहा कि उनको भेज दें। हमारे पास कुछ 17-18 बच्चे बच्चियाँ आए थे, उनके ऑडिशंस भी हुए थे, फिर उनमें शॉर्ट लिस्ट किए हैं, फिर एक दो को हम बुला रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो ऐसी होता है कि वो निकल आते हैं बच्चे और बच्चियाँ एंकर्स बनने के लिए, इतना इशू नहीं है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई ऑडिशन देना चाहेगा तो वो आप लोगों के लिए स्पेशल पैकेज ये है कि मैं कह देता हूँ कि अगर आपने किसी ने आना है तो यहाँ से एक लिस्ट मुझे भिजवा देंगे उनके नाम और नंबर्स के साथ, तो वहाँ से हम एचआर से कॉल करवा देंगे, फिर कोई टाइम रख लेंगे। अमूमन हमारे पास टाइम स्टूडियोज़ की होती है अवेलेबिलिटी 7-9 के दरमियान, फिर हम बुलाते उसमें 5-6 करके एक दिन बुला लिए बाकी, फिर क्योंकि वो पूरा मेकओवर करवाना होता है आपके बाल शाल सेट, ख्वातीन लड़कों का तो इतना नहीं होता, थोड़ा ही करके, तो लड़कियों का तैयार होने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो वो हम ऑडिशंस किए हैं हमने यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ। ये पाकिस्तान में अलमिया एक सच टीवी के अलावा किसी भी जगह हिजाब वाली जो हैं ख्वातीन उनका ये हम कॉरपोरेट उस कल्चर में हैं कि पीटीवी से लेकर और प्राइवेट के छोटे से छोटा चैनल स्टार एशिया टाइप जहां भी, वहां ये नहीं है, ये एक अलमिया है और इसके मैं हमेशा ख़िलाफ़ होता हूं। अब जाके दाढ़ियों का टूट गया था रिवाज, उसामा गाजी पहले एंकर थे जो दाढ़ी वाले थे न्यूज़ एंकर प्राइवेट मीडिया में, तो वरना उसमें भी नहीं था। फिर टर्बाइन में सिख हरमीत आया हमारा दोस्त, वो अपनी पगड़ी के साथ आ गया, लेकिन स्काफ का अनफॉर्चुनेट हमारे पास बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं ना, इजाज़त ही नहीं है। ग्लैमरस ग्लैमर होता है ख्वातीन जो हैं वो बगैर उसके, बल्कि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो वेस्टर्न में होते हैं कोट जैकेट शैकेट में वो बैठती हैं ख्वातीन, तो ये एक ग्लैमर की दुनिया की वजह से ये तो एक अलमिया रहा है हमेशा से, ये नहीं है। बाकी जिसने इंटर्नशिप करनी हो तो ज़रूर वो, सॉरी ऑडिशन नॉट इंटर्नशिप, इंटर्नशिप बड़ा काम है इसलिए वादा नहीं मैं कर रहा, ऑडिशन जिसने देना हो। जी आपका कोई सवाल? मीडिया की किस फील्ड में? मीडिया में प्रोडक्शन एक चीज़ है, एंकरिंग एक चीज़ है, रिपोर्टिंग एक चीज़ है, रिसर्च एंड प्लानिंग एक चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। तो अब एक सैयद अमीर अब्बास एंकर हैं, वो बैंकर थे, तो वो बैंकर हैं, उन्होंने अपना MBA या कुछ समथिंग कुछ ऐसा किया हुआ, वो मैस्कॉम के नहीं थे लेकिन वो बेहतरीन एंकर बने हैं सैयद अमीर अब्बास, डिफरेंट चैनल्स में रहे हैं और इस तरह और बहुत से हैं। तलत हुसैन साहब IR के आदमी हैं, उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसका मैस कम्युनिकेशन के साथ, तलत हुसैन साहब का जी। अब वकला बहुत है, लॉयर तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के मैं अभी भी गिनूँ तो मेरे ख्याल 5-6 एंकर्स हैं जिन्होंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया होगा, वो ज़्यादा अच्छे हैं। बल्कि एक लॉयर है उमर दराज गोंदल, अब तो मेरे ख्याल सोशल मीडिया पर करता है उमर दराज गोंदल, दुनिया में कोई केस आ गया और वो ब्रेकिंग में बैठा हुआ था और उसने ऐसा उसको अच्छा किया क्योंकि वो लॉयर था, तो फ़ोन MD ने करके उसको कहा यार इसको शाबाश, इसको मेरे पास भिजवाएं,
उसको बुलाया, उसने कहा यार तुमने तो कमाल कर दिया आज, मतलब ऐसे टर्म्स तुम बोल रहे थे तो आम स्टूडेंट तो नहीं बोल सकता। उसने कहा सर मैंने लॉ किया हुआ है और मैं प्रैक्टिस भी करता रहा। उसने कहा अच्छा। वो फ़ौरन उन्होंने उठाया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई और उसको प्राइम टाइम भी कर दिया और कहा जी ये नंबर वन हो गया। तो आपके पास एक मौका ऐसा मिलता है कि आप जगह ले लेते। तो स्किल्स में आप जिस फील्ड में जाएंगे वो उसका इशू नहीं है। थोड़ा सा एज इनको होता है मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को कि इनको इल्म होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, बेचारे तो क्लास में बोर्ड पे उन्होंने कैमरा पढ़ा होता है तो बाद में पढ़ते हैं। थोड़ा सा एज होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ना इसमें आ सकें। बाकी आपको पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ें, तैयारी करें, इम्तिहान बड़े अच्छे अफसरों की ज़रूरत है। एक ये अफसर बनेंगे, एक वो बनेंगे, एक आप बनेंगे। पॉलिटिकल साइंस में अफसरों की भी ज़रूरत है ना हमें, अच्छे अच्छे। बारहवीं पास मूवी थी, बारहवीं फेल, ट्वेल्थ फेल, मैंने उसका थोड़ा सा क्लिप देखा था तो अच्छी वो है थी। मेरे अपने ज़्यादा मेरे अपने जो मेरे करीब के दोस्त हैं वो सारे सिविल सर्विस में हैं। जो हमारा ग्रुप है फॉर्मन हाइट्स के एफसी कॉलेज के, वो अक्सरियत इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लेवल के सारे दोस्त हैं डिफरेंट जगहों में। तो आपको अच्छे अफसर भी बन सकते हैं। हाँ वैसे आप वो करें। अच्छा एक और चीज़ है, मैं बॉडी शेमिंग में मेरे बिल्कुल बिलीव नहीं होता। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ ये बताऊँ कि जिनको ये लगता है ना कि मीडिया पे एंकर बनने के लिए सिफारिश की ज़रूरत है तो इस पे क्रॉस लगा दें। दूसरा जिनको ये लगता है कि हमारे अल्लाह ताला सबके लिए जो है ना वो चीज़ें करे, बड़े बोल नहीं होने चाहिए शक्लों पे, ये हमारे यहाँ रिवाज है। आप कभी CNN और BBC खोल के देखिए, अल जज़ीरा, वहाँ पर कोई शक्ल का एंकर है? ये पाकिस्तान में रिवाज, पाकिस्तान में एक खूबसूरत से लड़का, खूबसूरत सी एक लड़की बिठा देंगे जिस पे एतबार ही नहीं आता। मेरे जैसे बंदे को तो एतबार नहीं आता कि ये खबर सही भी दे रही है कि नहीं। मैं अगर बीइंग मीडिया पर्सन ना हूँ तो मैं तो नहीं एतबार करूँगा उन पे, उनकी बात पे। मैं चाहता हूँ कि मेच्योर सा कोई चेहरा मुझे बताए तो मैं उसकी बात पे करूँ। हमें घर वाले हमें पास नहीं बैठने देते जब कोई संजीदा गुफ्तगू करनी हो। चलो तुम बाहर जाके चलो सौदा लेके आओ, तुम चलो चलो जाओ दूसरे कमरे में सफाई करके आओ, ऐसे भेज देते हैं। घर वाले हमारी बात पे एतबार नहीं करते हैं, झूठ ही बोल रहे होना है तो खबर कैसे एतबार है। ये पाकिस्तान में हुआ, लेकिन आपकी बात है कि ये अलमिया है कि पाकिस्तान में ये इंडिया से ये चला। इंडियन ने हमें ट्रेनिंग करवाई उस वक्त जब प्राइवेट मीडिया आ रहा था और उस वक्त ये आके चीज़ें पनप गई, बन गई। आज भी PTV पे बड़े सीरियस टाइप के बाबे टाइप के खबरें पढ़ते हैं, दो तीन लोग हैं, बाकी वहाँ भी नए हैं। तो यहाँ जो खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, उसके बाल ऐसे बने होने चाहिए, मेकअप हो ऐसे हो, लड़का ऐसा स्मार्ट होना चाहिए, स्लिम स्मार्ट। वो एक बार मैं एक चैनल में था जहाँ ये थे 92 में, तो मैं वो उसमें चार लोग एक ही वक्त में खबरें पढ़ते थे, दो स्टैंडिंग दो सिटिंग। तो मैं बैठा हुआ था, एक और हमारे सीनियर दोस्त थे, वो उनका कद थोड़ा छोटा था, वो थोड़े हेल्दी थे और फिर जूते भी ऐसे फ्लैट पहने हुए उन्होंने, वो खबरें पढ़ रहे। तो हमारे मालिक ने फ़ोन किया डायरेक्ट PCR पैनल कंट्रोल रूम में कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। उन्होंने कहा सर क्या करना है? कहते वो उसको बिठाया हुआ है जो टॉल भी है हैंडसम भी है, मुझे तो अच्छा लगेगा ना मुझे कोई हैंडसम कहेगा कहते और उसको हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है। अब वो सीनियर थे, खबरें उधर ज़्यादा होती थी, उन्होंने ड्यूरिंग बुलेटिन स्विच करवा दिया, मुझे दूसरा माइक लगा, मैं उधर चला गया, उनको वो माइक लगा, वो इधर आ गए। मुझे आज तक इस बात का अफसोस होता है कि मैं उनको उस्ताद भी मानता हूँ, मैं उनको भाई भी मानता हूँ और मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता था मुर्शिद, लेकिन उनको बहुत उस बात पे गुस्सा आया और वो गुस्सा आज तक उनका मेरे पे है, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था। वो बहुत अच्छी खबरें पढ़ते हैं, बहुत ही कमाल, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं उनकी तरह खबरें पढ़ता हूँ, हालांकि मैं उनको ज़िंदगी में तभी मिला था पहली बार जब जी तारिक भाई। तो वो उनका वो उनके दिमाग में आ गई ये बात कि मेरा, और वो थोड़े गंजे भी हो गए, मैं 44 में भी अब गंजा नहीं हूँ, ठीक हूँ, आई एम नाउ 44। तो इसलिए एज जो है वो आपके अपने हाथ में, जो आप हंस रहे थे ना, इसलिए मैं कहता हूँ खुश रहें, जवान रहेंगे आप। 22-22 साल के बच्चे होंगे सारे, 21-22-23-21-20-21-22-23 इसी एज में होंगे मेरा ख्याल, इससे ज़्यादा तो एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फेल होता रहा मेरी तरह तो अलग बात है, नहीं मैं भी फेल हुआ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
कि वो अलग इशू है इतनी एज में। और अगर आप इस एज में मेरे जितने लगेंगे 44 साल वाले, तो अच्छी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रोल है उससे हम निकल के कहीं और पहुंच गए क्योंकि आपके सवालात कहीं और हैं। पिछले दिनों एथिक्स से हमारा वैसे कम ही ताल्लुक है, पर मतलब जहाँ पे असेंबली जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे जिनका इंटरव्यू करना था मेरे कुछ दोस्तों ने, तो मैं भी साथ चला गया कि जब असेंबली नहीं देखी तो राहिला साबिम सन का नाम था वो एमपी, तो वहाँ उनसे मिलने के लिए एक सहाफ़ी आए और मैडम ने कहा कि ये साहब किधर ही होते हैं, आप लोग भी मीडिया पढ़ रहे हैं तो इनका चक्कर लगता रहता पंजाब असेंबली। अच्छा, तो खुद ही एक क्वेश्चन माइंड में पॉपअप हुआ कि लिफाफा सहाफ़ी इनके चूंकि गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं तो ये करप्ट ही होंगे। हाँ। तो ऐसा क्यों है कि जहन में ये सवाल है कि ये करप्ट नहीं होंगे, और क्या वाकई जिनके ताल्लुकात होते हैं वो वाकई करप्ट होते हैं? अच्छा, ये हमने ये अज्यूम कर लिया है बहुत ज़्यादा ना कि ताल्लुकात होंगे। अब मेरा और उसामा का इसलिए भी ताल्लुक, जो उसामा तैयब साहब हैं, मेरा और उसामा किस लिए ताल्लुक है कि उसामा भी एंकर हुआ करते थे, मैं भी था। हमारे आज मुझे जब नीचे वो रिसीव करने गए तो कहते हम 7 साल बाद मिल रहे हैं, वैसे तुम स्मार्ट हो, वे वैसे बातें कर रहे थे। तो ये मेरा ताल्लुक है ना आपस ही। इसी तरह मेरा ताल्लुक, मेरे अपने बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो MNAs हुए, मतलब मेरे बैचमेट थे, हमारे दोस्त थे, ये फर्रुख हबीब फैसलाबाद से PTI वाला, मेरा बैचमेट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम लोग इकट्ठे हॉस्टल में होते थे, दोस्ती थी, वो हो गया। उस्मान डार से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी PTI वाले, नून लीग के इस तरह से कुछ लोग हैं जिनसे मेरा बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक दोस्ती है। अब मैं वहाँ जाना शुरू करूँगा तो आपको लगे ये तो लफाफा है। जब मैंने अभी कहा कि कल को ये हो जाएंगे तो ये कहेंगे यार हमारे पास आए थे CSSP ऑफिसर हो जाएँ वो। अभी जो आपकी ये DC लाहौर हैं राफिया, वो मेरी जूनियर हैं FC कॉलेज की, उनसे वो मतलब वो आई थी कि मुझे सोसाइटी में होना है, तो मैं उस पर प्रेजिडेंट था। तो अब मैं उनके पास जाऊंगा तो बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, यार मेरे तो प्रेजिडेंट थे, हम लोगों का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो मेरे पे लिफाफा का ठप्पा लग सकता है। तो ये एक ताल्लुक, दूसरा जो ताल्लुक होता है राहिला खादम हुसैन हो या कोई किसी और के साथ हैं, वो ये होता है कि आप ख़बरें लेने के लिए अपने ताल्लुक को कायम रखते हैं। ख़बरें भी तो लेना है, मैं ये नहीं कह रहा कि लिफाफे नहीं लेते होंगे, बहुत से लोगों के लिफाफे चलते होंगे, लेकिन मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, ये मरी हुई जुएँ नहीं देते हैं सियासतदान जब तक ये फंसे ना, आपके हाथ में उनकी आ गई है कोई ख़बर को चीज़, तब वो तड़पते हैं, बिन पानी के मछली ना, वो तड़पते हैं, फिर वो कहेंगे। आपका क्या नाम? हम्माद। आप खबर यार देखें ना, ये है वो फलाएँ फला। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको अच्छे खासे लिफाफे भी जाते, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी बहुत सी चीज़ें, लिफाफे तो छोटा होता है ना, टोकरियाँ गए लें या बक्से गए लें, हाँ कुछ भी, वो होते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है कि कोई आ जाए तो वो ये समझा जाए कि वो ऐसा, हर एक के साथ नहीं है, वरना बेचारे सारी उम्र रिपोर्टर 70 की बाइक्स पर घूमेंगे या कोई ऑल्टो या महरान तक बमुश्किल ले पाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं होता। और कुछ को आईफोन की सूरत में भी गिफ्ट मिलते हैं, बाहर के ट्रिप्स की सूरत में भी मिलते हैं, फिर एक और तरीका कार निकला है कमर्शियल्स उन्होंने देते हैं उनको सोशल मीडिया के लिए, तो उसके मद में तो बड़े बड़े तरीके निकल आए हैं। ये है तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती रहती हैं। अब एंकर पर्सन्स की बर्थडे पे उनको लैंड क्रूज़र तक भी गिफ्ट मिली हुई हैं, या हमें पता है बहुत बड़ा एक नाम है पाकिस्तान का, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ही है। मिक्स एंड मैच है यार हर जगह, ईमानदार अफसरान नहीं हैं पाकिस्तान में जी? हाँ कई बार, मैं City 42 में था, मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये थी, और हमारा एक दोस्त है इस वक्त एक चैनल में ब्यूरो चीफ है, उस वक्त रिपोर्टर था, उसने कहा यार वो उनका कुछ स्कूल है उसमें फंक्शन, अरे City 42 में हर स्कूल के फंक्शनों की खबरें चल रही होती हैं, उनका कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में कवरेज करवानी है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भेज दो, उसने मुझे वो भेजा उस पर मैसेज पे, उस पर व्हाट्सअप नहीं था, इन 2011 शायद बात, तो मैंने उसको असाइनमेंट पे दे दिया। अच्छा वहाँ कवरेज हो जाती थी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कब है, मैंने कहा सैटरडे, सैटरडे खबरें भी कम होती थी, वो उन्होंने दिया
अब वो कवरेज हो गई, मुझे पता ही नहीं हुई है कि नहीं हुई, बात ख़त्म हो गई। अगले दिन वो साहब आए, शुक्रिया अदा किया, उन्होंने एक लिफाफा दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या है। अब मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी उस वक्त, और उन्होंने जो मुझे लिफाफा दिया उसमें 10,000 रुपये थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये लिफाफे में क्या है, वो ऐसे करके ना बड़ा अच्छा सा उनके स्कूल का था पैक हुआ, और मैंने ऐसे खोले, मैं एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या है, कहते नहीं जी वो खबर नहीं। मैंने उसको वापस दिया, मैंने उसको फ़ोन किया अपने दोस्त को, मैं 64 रोल नंबर था, वो 63 था। मैंने उसको फिर आप समझ सकते हैं कि कौन सी गालियाँ दी होंगी, और मैंने कहा तू मैनू मरवाना है, मतलब ये क्या है। तो अब रिपोर्टर का मिजाज और होता है, वो बाहर कैसे डील करते हैं। प्रोड्यूसर्स और एंकर का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ होता है। मैंने उसको कहा भाई आपका हो गया, मैं उसको फिर वो गालियाँ दी जो आज तक भी मैं दे सकता हूँ उसको। तो ये पहली ऑफर थी, उसके बाद धमकियाँ भी, प्रेशर्स भी, ऑफर्स भी, ये चलती रहती हैं सारी चीज़ें ज़िंदगी में। लेकिन आप फिर आप पे है ना कि आप चीज़ कौन सी कबूल कर लेते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा पिछले दिनों में कि यार आप भी ना जहाँ आजकल सब सजदा करते हैं, कहते तो यार आप भी वहाँ कर लें तो ये तरक्की हो जाएगी, वो तरक्की हो जाएगी ना। मैंने कहा मैंने अगर कर लिया तो जिन्होंने किया था पहले, आज वो जेलों में, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे, वो रांदा दरगाह, वो सारे, और जिन्होंने नहीं किया तो वो आजकल उधर हैं। तो मैंने कहा एक तीसरी वो है जिन्होंने कहीं नहीं किया, वो साइड पे बैठे। मैंने कहा उन्हीं में बैठा रहने दे भाई। मैंने कहा इतने अल्लाह का शुक्र है कि पैसे कमा लेते हैं, कि घर भी अच्छा चलता है, गाड़ी भी अच्छी चलती है, हर चीज़ चलती है। क्योंकि एंकर्स की सैलरियाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी मिल जाती हैं उनको, क्योंकि वो रेटिंग चीज़ों की वजह से मालिकान से अच्छे पैसे ले लेते हैं। फिर सोशल मीडिया से भी कमाई हम अपनी डायरेक्ट डॉलर्स की कर लेते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑफ़र, लिफाफा और धमकी और प्रेशर ये एग्जिस्ट करता है, इसमें ये नहीं है कि नहीं करता। बहुत से लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर उसकी जो है ना वो कीमत भी अदा करते हैं और उनका लाइफ भी बहुत कम होती है। ये चीज़ें हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट लेते नहीं हैं, उन्होंने उनके अखबारात हैं, उनके रसाले हैं, उनके टीवी चैनल हैं, उनके डिजिटल मीडिया हैं, वो उसके ज़रिए ले लेते हैं। तो ये भी चीज़ें। कोई सवाल और आपका, आप सवाल पूछना चाहते हैं पर रुक जाते हैं मुझे लगता है। अच्छा सर, रिसर्च और प्लानिंग के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड? आप भी पॉलिटिकल साइंस के? नहीं, मैं मैथ्स के। ये रिसर्च एंड प्लानिंग, रिसर्च जो है ना वो पढ़ने से है, स्टडीज़ हैं तो आपकी रिसर्च है, मतलब वहाँ से है। उसका तरीकाकार मैं एक चीज़ में, आप क्योंकि ज़्यादा एंकर्स बनने का शौक़ था और एलसी और मैथ्स, डेली आप कम से कम 6 अखबार पढ़ा करें। मेरी भी ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, यही मेरी भी पहली बार शक्ल बनी थी आज से 15 साल पहले। 6 अखबार आप पढ़ेंगे, कसम से 2 घंटे भी नहीं लगते टोटल अखबार पढ़ने में। खबरें तकरीबन 80% एक जैसी होती हैं, चंद एक्सक्लूसिव के अलावा। वो 3 उर्दू और 3 अंग्रेज़ी के अखबारात, और उसके बाद आपको लगेगा कि यार मैं तो हवाओं में हूँ, आज लगता है कि मैं हवाओं में हूँ। आपको ऐसा आ रहा होगा सब कुछ कि विद इन 1 वीक क्लास में टीचर को वक्त डाला होता है बच्चों ने, ये है। उसके बाद आप रात को ट्विटर जो है, आजकल थोड़ा बैन है, प्रॉक्सी है, ये वो करके खोलना पड़ता है। इंटरनेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका है, BBC है, CNN है, खलीज टाइम्स हैं, ट्रिब्यून है इंडिया, वो थोड़ी देर वो देखा करें। आपको डिटेल आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगे स्टोरी पढ़ लें ना पढ़ें, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने से आपको पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन के लोगों के, हमें ये जोड़ती है इससे करंट अफेयर्स से, हमें पता चल रहा होता है कि क्या। इंटरनेशनल मीडिया इसलिए पढ़ें कि वहाँ अच्छे एंगल्स चीज़ों के वो होते हैं। BBC आप जब आप खोलते हैं बड़े अच्छे अच्छे एंगल्स, हमारा तो वही प्रेस रिलीज की खबरें चल जाती हैं। फिर कॉलम्स और एडिटोरियल्स वो ज़रूर पढ़ें, और एक हैबिट कर लें कि किताब ज़रूर पढ़नी है। कौन कौन किताब आजकल पढ़ रहा है जिसके साइड पढ़ी होती है रात को कोई किताब पढ़नी है? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आज? 2-3 पढ़ मसलन एक रसल की है, ब्रेल फाइडनेस, बहुत अच्छी। दूसरी जो है मुकदमा इब्ने खल्दून, इब्ने खल्दून का। तीसरी आज शुरू किया वाया एवोल्यूशन स्कूल ऑन एवोल्यूशन। किताब से बढ़ के कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, मैंने तो नहीं रखी।
किताब से पढ़ी। मेरी बेटी थी मालवन 4.5 साल की, एक किताबों का वो था, मैंने वो कुछ 4 लाख समथिंग की आई थी बुक्स, मेरे पास तो नहीं थी 4 लाख, मैंने उसको किस्तों पे वो ले लिया, वो देते थे इंटरनेशनल बुक्स वो थी। मेरी बेगम ने कहा इतनी महंगी बुक्स ले ली, मैंने कहा ये उसके 13-14 साल तक के पढ़ने की हैं, फिर उसके एक और बहन थी, फिर उसके भाई भी आ गए, मैंने कहा सब पढ़ेंगे ना। तो उसको 2 महीने बाद मेरी बेगम ने कहा कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला था, मैंने कहा ये 4 लाख के आपने 1.5 साल में सूट ही ले लेने थे सफ़ायर के और इधर उधर के, तो जो उसकी किताबों में आ गए। तो वो अब मुझसे वो उस दिन बात कर रही थी कि मुझे जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी पे फ़लाँ फ़लाँ बुक चाहिए, 10 साल की है। अगर मैंने किताबें ना ले के दी होती तो मुझे ये रिज़ल्ट नहीं मिलना था। अब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग बता सकेंगे, मैं ऐसे कहूँगा स्टूडेंट्स बेचारे उस तरह नहीं बता पाते क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी, किंग लुई ने ये हुआ तो ये हुआ तो ये मुझे सुनाई जा रही थी। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा आपने कहाँ से देखा? तो कहती है यूट्यूब से, डर के कहती वो जो आप मना करते। मैंने कहा यूट्यूब से। मैंने कहा अच्छा। उसकी माँ उसको एक दिन समझा रही थी कि आप देखो टीवी नहीं देखते हैं, यूट्यूब आप देखती रहती हो, ये करती रहती हो, पढ़ो पढ़ने से। कहते कायदे आज़म कितने बड़े आदमी थे। अब ये किचन में उनकी बातें हो रही, मैं बाहर सुन रहा था। तो कायदे आज़म पढ़ते थे, वो लंदन पढ़ने गए, लंकन में पढ़ा, ये करा वो करा। वो कहती मामा कायदे आज़म के दौर में यूट्यूब होता तो वो भी देखते। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रही है, सोर्स है ना। अब उस पर हम चाहत को सुने, राहत को सुने, या हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, या एक फैसल वड़ाइच एक करेक्टर हैं देखो सुनो जानो माय फ्रेंड, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैं उस देखो सुनो जानो का 47वां सब्सक्राइबर था और मुझे नहीं पता, मुझे कहते ये खोलो। मैंने कहा वो एक इमरान शफकत साहब हैं, वो बेसिकली हमारे दोनों के सीनियर थे, तो मैं उसका 47वां सब्सक्राइबर था, मिलियंस के उसके फॉलोअर हैं। उसका काम बहुत अच्छा है, फाइन है, डेली एक वीडियो देख लिया करें शाम, आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलना शुरू हो गया। और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है और हट के मुसलमान हिंदू उससे हट के बनाता है वो असली हिस्ट्री के ऊपर। वो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप सही वाली पढ़ें, एक तो हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाती है, एक ज़बरदस्ती हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो नहीं है वो हिस्ट्री जो है ओरिजिनल हिस्ट्री। अच्छे पोज वाली तस्वीर लीजिएगा बेटा। तो आपको पढ़ना, बुक्स आज से रखें, आप मुनफरिद नज़र आएंगे एक महीने के अंदर अंदर अखबारात को पढ़ने पर। ई पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी लैपटॉप वगैरह आपके पास होंगे, वज़ीर आला ने दिए थे सबको, तो उसमें खोल लें और ये इसको पढ़ें, चेंज होके आएंगे। हाँ जी, और हम 10 मिनट, सॉरी मैं 10 मिनट कान में पूछने वाले सवाल भी मैं ले सकता हूँ, बहुत से होते हैं ना। मैं हमेशा सेशन में ये कहता हूँ कि अगर आपको अलग सबके सामने नहीं भी पूछना तो आप पूछ सकते हैं, बहुत से लोगों के अपने ज़ाती मामलात होते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जो सबके सामने नहीं डिस्कस करते, ये भी अच्छी बात, वो हम अलग से भी पूछ सकते हैं। बताएं हुक्म। हाँ बिल्कुल है, सब कुछ कर रहे हैं। वो एक वेब सीरीज आई थी, वो बड़ी अच्छी, वो जिस लेवल पे वो ले गए थे वो अच्छा, वो करेक्टर कुछ ज़्यादा हो गया था, मतलब वो उस तरह नहीं था। हमें फीचर फिल्म्स में जैसा मसाला दिखाया जाता है, कभी आपने देखा आपका गांव से किसी का ननियाल ददियाल किसी का ताल्लुक हो ख़वातीन में, दो में होगा ना कोई गांव में कभी कभार जाते ही होंगे ना, कभी देखे खेतों में नाचती हुई मुठियार? देखी नहीं? देखी ना, मैंने भी देखी। हमारी ख्वाहिश ही रही कि हम भी किसी को देखें जो फसलें और नस्लें दोनों उजाड़ रही हो नाच नाच के, नहीं मिली हमें। इसी तरह से इस फील्ड में भी जब तक ये जो फीचर्स फिल्म्स टाइप है ना इसमें मसाला ना हो तो चीज़ें नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करती है चीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस नहज पे वो ले गए हैं उसमें जब तक वो ये ना दिखाते तो अट्रैक्शन नहीं होनी थी, उसकी ज़रूरत होती है ना। जब आप ख़ुद मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं जब तक उसकी एंगलिंग नहीं करेंगे तो वो निकलेगा नहीं, लेकिन बेस ज़रूर थी। सियासतदानों से पैसे लेते हैं, मैंने पहले कहा, बहुत से अल्कोहलिक हैं
वो उनके, मैं तो ये कहता हूँ कि चलें उनकी पर्सनल वो है कि चॉइस है कि वो अगर वो पी के बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है, और किसी को तंग कर रहे हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है, अपना हाथ किसी की नाक तक ले जा रहे हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन वो अगर अपने बंद कमरे में कर रहा है तो उसके मामला उसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ये पैसे लेके चीज़ें करके ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैं तो कहता हूँ हमेशा करती हैं, और ये कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह हैं जमात की आस्तीनों में बुत, लेकिन हाँ वैसी नहीं है वो। मैं उसकी कुछ चीज़ें देखी हैं मैंने, तो मैंने देखते मैंने कहा यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस तरह से इस लेवल पे नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं कुछ चीज़ें। फीमेल के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड में, लेकिन ऐसे भी इदारे हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ों को कत्तन हिलने नहीं दिया। हमारे एक मरहूम दोस्त डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो उन्होंने इन 2012 न्यूज़ रूम में खड़े होकर कहा कि किसी की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मेल फीमेल की, एक नेचुरल चीज़ें हैं वो, आप बाहर जाएं जहाँ मर्ज़ी जाएं, घूमें फिरें, डेट करें, आप कॉफ़ी चाय जिधर करना है, ऑफिस में नहीं। और अगर किसी ने लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को हरेस करने की कोशिश की, तो मुझे बॉक्सिंग आती है तो मैं पहले उसको कूटूंगा, फिर उस पाकिस्तान पीनल कोड 509 है, ये याद रखें आप लड़कियाँ, हमेशा मेरी अपनी दो बेटियाँ एम्पावर करें, पाकिस्तान पीनल कोड 509 है ताज़ीरात पाकिस्तान में, जिस पे कोई आपको हरेस कर रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इन 2011 में ये कानून बना था, और 2008 से लेके 11 तक उस कानून बनाने वाली जो पूरे वो लोग थे उनमें मैं शामिल था, क्योंकि हमें अपने, अपनी तो मैं नहीं खैर कहता, हमें ख़वातीन को अपनी तो मलकियत हो जाती है ना, आप मलकियत ही थोड़ी, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया, आप किसी की बेटी बहन ये वो हैं, तो इंसान भी तो है ना, लड़की हैं औरत हैं, तो आपको जिंदगी, तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि वो काम करें, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, किसी भी वर्क स्टेशन पे जा के काम कर रही हैं। इज़्ज़त नहीं ख़राब होती बेटा, इज़्ज़त इतना कोई है कि आपकी इज़्ज़त ख़राब है, गलत है ना। मैं आपको बताऊं, मैं उस लोगों में शामिल रहा, तो मैंने अपने, उन्होंने कहा जी कि इज़्ज़त लूट ली गई, मैंने न्यूज़ रूम में जाके इतनी लड़ाई की कि डायरेक्टर न्यूज़ मुझे बाहर ले गए, कहते उनसे गलती होगी तुम सही कह रहे। मैंने कहा इज़्ज़त लूट ली, कहे कहाँ से आ गया भाई, कैसे इज़्ज़त लूट गई। मैंने कहा आप वो ये करें कि उसने दरिंदगी की, ये लफ्ज़ ये लिखें, उसकी इज़्ज़त ऐसे लूट गई, इज़्ज़त कैसे लूट गई है। और इस पर बड़ा झगड़ा हुआ और वो फिर बैन हुआ, और ये इन 2016, उसके बाद किसी जगह मैंने वहाँ कम से कम बोल के दौर में लफ्ज़ नहीं लिखने दिया कि वो आबरू लूट गई या इज़्ज़त लूट गई। मैं उसकी कैसे लूट गई भाई, किसी रेप हुआ ना, मैंने कहा रेपिस्ट पे फोकस करें, जर्नलिज्म ये थोड़ी है, ये मुजरिम है, ये थोड़ी है, उस बेचारे के साथ तो ये हुआ, ये तो इज़्ज़त विज़्ज़त वाला बेटा कभी भी ये नहीं है। आपकी इज़्ज़तें महफूज हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के ऐसा कोई मामला हो तो वो फिर भी महफूज है, वो है बुरा, वो नहीं है। हमारे फीमेल जो हैं वो उसी तरह से हैं जैसे लड़के हैं, जैसे लड़की हैं वैसे, तो ना इधर से उधर ना उधर से इधर, दोनों जगह वो एक रिस्पेक्ट है, एक दूसरे को दें है ना, एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है। मैं तो सेशंस, जब बड़े सेशंस होते हैं कम्युनिकेशंस के, तो हम तो ग्रुप्स में बिठाते ही ऐसे हैं कि ये एक दूसरे से शेयरिंग, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट दें, नाक तक किसी के हाथ नहीं जाना चाहिए, बस एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो माशा आगे मूव करता है। यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेट प्रोफेसर साहबान, मीडिया हाउसेस में डायरेक्टर साहबान इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, और ये, लेकिन जब आपने अपनी बात करनी है, आपके मेल दोस्त होते हैं उनको फौरी बताया करेंगे, यार ये मुझे टीचर की तरफ से या मेरे सीनियर की तरफ से ये चीज़ आ रही होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ दोस्तों के साथ। मेरे अपने मैथ्स कॉम स्टूडेंट में मैं जब था तो बहुत सी लड़कियां थीं जो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी जिनके साथ, और वो उन्होंने मतलब शेयर करते थे कि यार ये बात ये इस तरह, मैं कहा नहीं इस तरह नहीं, हम मिल के सपोर्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप, मैं क्लास फेलो हैं, आप मुझे बताते हैं कि यार ये इशू है तो मुझे फलां, दो मेरे साथ और डट के खड़े हो जाते हैं कि कैसे कर लिया किसी प्रोफेसर ने या किसी लड़के ने भी, मेरे अपने क्लास फेलो ने एक क्लास फेलो को हरेस करने की कोशिश की थी, नाक को चने चबवा दिए थे, फिर हमने उसके माफ़ी में मांगी उसने क्लास में खड़े होकर उसी लड़की से। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी होती है, और ये कभी ब्लेमिंग नहीं करनी होती है कि ये नहीं, कुछ तो किया होगा इसने, कुछ ना कुछ तो किया होगा, ये वाली नहीं है। इसलिए
मजबूत रहें। आप घरों से निकली हैं पढ़ने के लिए, आप इंसान हैं, मीडिया की फील्ड में जाएंगे तब भी नो मतलब नो, ये कहना है। तो उसमें जो चीज़ है ना, जो आपका सवाल था फिल्म का, उसमें हकीकतें हैं लेकिन वो थोड़ा बढ़ा के कर दी गई, हकीकतें हैं बस। आज ये एंड की चीज़ें मुझे थोड़ा सा समझ आया, बस स्ट्रॉन्ग वुमन वाला रोल आपने रखना है फील्ड में हमेशा, जहाँ भी जिधर भी जाएं, और अच्छे मजबूत जो लड़के भी हों उनमें में, तो ये हम मतलब इंसान है ना यार, इंसानों की दोस्तियाँ नहीं हो सकती हैं पूरी दुनिया में। लोग मतलब एक नेचुरल इंटरेक्शन तो है, लेकिन वो थोड़ी है क्या उसमें। मेरे अलजजीरा की खातून हमारी दोस्त थी, इंग्लैंड चली गई, आज तक हमारी दोस्ती होती है, हमारी सीनियर थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनको अरबी उर्दू अंग्रेज़ी पंजाबी चारों ज़बानों लिखनी पढ़नी बोलनी आती थी, ट्रेडिशनल मीडिया तक वो गई, वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग थी, हमारी इतनी बॉन्डिंग उनके, और मैं फील्ड में इतने हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि मैं उनको किसी और ही नज़र से देखूँ या वो मुझे किसी और नज़र से, ये आपने एक स्पेस रखनी है, बॉन्डिंग रखनी है अपने आप को। मतलब जब आप अपने आप को रखेंगे ना स्ट्रॉन्ग मीडिया की फील्ड में चीज़ों में, तो वो रहेंगे आप जैसे अच्छे स्ट्रॉन्ग वुमन। और अब मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो इन जैसा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मर्द माशरे को देना ये ज़िम्मेदारी है। और अब आप हैं तो आप स्टॉप बाई स्टॉप नहीं, उस्ताद हो कोई भी हो फील्ड में, उसमें करना चाहिए। और कभी भी ये ना समझे कि मेरी शक्ल या उसकी शक्ल या इसका शक्ल या उसकी आवाज़, आवाज़ का थोड़ा होता है, मेरी ग्राम में आवाज़ है ना ऐसे, तो ये मेहनत से आप बन जाती है, इसका इशू नहीं है। शक्लें हमने ऐसी ऐसी खूबसूरत की हैं, आप रियल में मेरी बेगम ने एक बार देखी एक एंकर, तो वो कहती हैं कि ये कौन थी। कराची में जैसे हमारे पास पैकेजेस मॉल है, और ये एक और जो जौहर टाउन की तरफ मॉल है एम्पोरियम, वहाँ पे एक डॉलमन मॉल है जो पहला मॉल पाकिस्तान में सबसे बड़ा बना, वो उसमें वो मिली, वो मुदस्सर क्या हाल है ठीक है ये वहाँ, अच्छा मैंने कहा तुम अच्छा वहाँ तुम, मेरी बेगम भी साथ थी बच्ची भी मेरी, तो करके रहे उससे भी मिली, अच्छा बेगम कहती मैंने ये इसको कहीं देखा हुआ है, मैंने कहा यार ये फलां फलां एंकर है, हैं यार ये तो बड़ी बंगाली सी लग रही है, उसमें तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मैंने कहा क्या मतलब है, कहते नहीं बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, मैंने कभी नहीं उस तरह। फिर जब वो टीवी पे अपने चैनल में वो आई और मैं स्विच कर, तो मैंने कहा हाँ यार देखो ना उसको कितना उन्होंने ग्रूम कर दिया, मेकओवर करते हैं आजकल तो, मेकओवर की वीडियोस आप देखते हैं बड़ी उसमें चेंज होती हैं, मतलब क्या से क्या बना देते हैं। तो ये ऐसा कोई ना सोचे कि ये नहीं हो सकता, बस स्किल्स एनर्जी और वो चीज़ें होनी चाहिए।